देखिए बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने वीआरएमएस की वैल्यू देखी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है दैट इज़ इक्वल्स टू ईवी कह लो या ईआरएमएस कह लो या इसी को ई इफेक्टिव कह लीजिए, कितनी होती थी 0.707, ठीक ना। इसी को हम बोला करते थे ई नॉट बाई रूट टू, इसी को हम कहते थे ई नॉट बाई रूट टू। तो एक बार मैं याद दिला देता हूँ आप लोग को कि हमारे हमने तीन वैल्यू पढ़ी लास्ट क्लास में। एक हमने पढ़ी पीक वैल्यू वोल्टेज की ई नॉट, एक हमने पढ़ी एवरेज वैल्यू और एक हमने पढ़ी आरएमएस वैल्यू। ओके, ई नॉट क्या होती है? पीक वैल्यू, जो वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू या करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू, वोल्टेज होगा ई नॉट और करंट के केस में आई नॉट, आई एवरेज और आई आरएमएस, ये तीन चीज़ें। तो भैया अपने पास देखिए ई नॉट ये है, ये मैक्सिमम वैल्यू थी, तो मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट बताई थी। देन आई एवरेज मैंने बताई थी, याद कीजिए ई एवरेज, एवरेज वैल्यू क्या थी? मैक्सिमम वैल्यू का पाई बाई टू टाइम्स, पाई बाई टू डिवाइड डिवाइड करके। तो ये आई थी 0.63% लगभग, 63.7%। हंसिका यही आई थी ना? यस सर। हाँ, 63.7% ये वैल्यू आई हुई थी। और इसके बाद जो मैक्सिमम वैल्यू आई हुई थी वो ये आई हुई थी। फिर आरएमएस वैल्यू आई थी, तो याद कीजिए ई आरएमएस मैंने क्या पढ़ाया था आपको? ई आरएमएस मैंने आपको पढ़ाया था ई नॉट बाई रूट टू, दैट इज इक्वल टू 70.7% ऑफ पीक वैल्यू ई नॉट का। तो 0.707 उसी को हम लोग बोल देते हैं। यस, ये देखिए। तो यदि ग्राफ को बहुत बड़ा करके देखें, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखें, तो ज़रा देखिए यहाँ पे ये मीन वैल्यू यहाँ पे आती है जिसको एवरेज वैल्यू बोलते हैं, देन उसके ऊपर वर्चुअल वैल्यू आती है और सबसे ऊपर जो आती है वो आती है पीक वैल्यू जो हाईएस्ट हुआ करती है। सबसे छोटी वैल्यू होती है मीन वैल्यू जो कि लगभग 63.7% होती है, देन वर्चुअल वैल्यू 70.7% होती है और ये ई जो होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। ये देख लीजिए 0.707, यू कैन राइट इट 70.7%, ये भी लिखा जा सकता है इसको। ओके यस, तो कभी भी आप जो है अगर कोई इंस्ट्रूमेंट लेकर के आते हैं और उसके ऊपर लिखा है कि वो 230 वोल्ट एसी है, इसका मतलब वो आरएमएस वैल्यू आपको दी गई है 220 वोल्ट, ठीक है ना। आरएमएस वैल्यू आपको दी गई है 230 वोल्ट, ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया। ये भी मैंने बता दिया था कि एसी एमीटर जो होते हैं, जो एसी एमीटर एंड एसी वोल्ट मीटर आर रीड द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट। और तीसरा मैंने पॉइंट बताया था कि जो स्केल होते हैं डीसी मीटर्स के, जो डीसी मीटर के स्केल होते हैं वो लीनियरली ग्रेजुएटेड हुआ करते हैं। द स्केल ऑफ डीसी मीटर्स इज लीनियरली ग्रेजुएटेड, है ना, एज द स्केल ऑफ एसी मीटर इज नॉट इवनली ग्रेजुएटेड। मगर जो मतलब जो डीसी मीटर होता है ना उसके उसमें क्या रूल चलता है, उसमें आई की पावर वन होती है, मगर जो एसी मीटर होते हैं उनका जो ग्रेजुएशन होता है वो एच स्क्वायर, मतलब पावर जो होती है वो नॉट लीनियरली ग्रेजुएटेड। मतलब कि ऐसा समझो कि एक कांटा यहाँ रहेगा तो दूसरा कांटा थोड़ी दूर पे रहेगा, ऐसे ग्रेजुएशन उनमें जो ग्रेजुएशन होता है वो बराबर नहीं होता है, क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं और हीट प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होती है। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट नहीं है, बस आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने बात बता दी। चलिए अब बच्चों आज से हमारे सर्किट शुरू हो रहे हैं, आज से हमारे हो रहे हैं शुरू सर्किट। तो पहला सर्किट आ रहा है बच्चों, लिखिए, हेडिंग डालिए एसी सर्किट विद प्योर रेजिस्टेंस या प्योर रेजिस्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट मतलब हम एसी सप्लाई में रेजिस्टेंस लगाएंगे और देखेंगे क्या होता है, दैट इज कॉल्ड प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ओके, दैट इज कॉल्ड प्योर रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट, ओके। आइए देखिए कैसे करते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट को। ये आपके पास सप्लाई है, ये ईएमएफ है, ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आपने इसको एक रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये देखिए रेड कलर का रेजिस्टेंस है, आपने सप्लाई कनेक्ट कर दी। कैसी है? ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है, मतलब सप्लाई बदलेगी लगातार, वोल्टेज जो है इस फॉर्म में बदलेगा, वोल्टेज बदलेगा तो बेटा यहाँ से करेंट जाएगी, करेंट भी बदलेगी,
तो मेरी आदत है मैं बदलने वाली चीज़ों को स्मॉल बनाता हूँ, बट इस चैप्टर में मैंने हर जगह आई कैपिटल ले रखा है, कोई बात नहीं है। तो चलो करते हैं, निकालते हैं बेटा कितना वोल्टेज लगाया, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हर कोई जानता है कि करेंट इक्वल टू कितना होता है, लगाया गया वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो आई इज इक्वल टू ई बाई आर, ई की वैल्यू पुट कर दो बेटा। तो ई की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, ई ज़ीरो साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो ये बन गया ई नॉट बाई आर, ई नॉट बाई आर। तो क्या बन गया, ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। अब ई नॉट क्या था, ई नॉट था वोल्टेज की सबसे बड़ी वैल्यू, पीक वैल्यू, दिस इज कॉल्ड ई नॉट। तो अगर ई नॉट में मैक्सिमम वैल्यू में रेजिस्टेंस का डिवाइड करोगे तो क्या आएगी, मैक्सिमम करेंट, सो दैट इज कॉल्ड आई नॉट। तो ई नॉट हो गया, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी नोट कर लीजिए। सो वॉट इज आई नॉट, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई आर। ओके क्लियर है यहाँ तक, बोलो यस की नो। यस सर। मेरे को बीच का नहीं आया, क्या हो गया बेटा, क्या नहीं आया, बीच वाला समझ नहीं आया। आर्यन एक चीज सुनो, जहां पे समझ में ना आए वहीं पर रोका करो बिल्कुल खटाक से, कि सर एक बार फिर से वहीं पर बताइए। देखो आर्यन, ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी थी। हेलो सर, ई नॉट साइन ओमेगा टी में बेटा आर का डिवाइड करो, क्योंकि करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, होता है ना। तो बेटा डिवाइड कर दो, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो ई नॉट अपॉन आर क्या बन जाएगा, आई नॉट। तो आंसर क्या आ गया, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है, यस सर। हाँ अब देखो जरा यहाँ पे देखो अच्छे से बच्चों, जरा देखो ईएमएफ जो आपने लगाया उसकी इक्वेशन क्या आई, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और जो आपने फाइनली जो करंट निकाली उसकी इक्वेशन क्या आई, आई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब दोनों ओमेगा टी मतलब दोनों के जो इनिशियल फेज हैं वो जीरो हैं। सर कैसे जीरो हैं, बिकॉज आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसके आगे आता है फेज एंगल, तो फेज एंगल तो कुछ नहीं है इसका, क्योंकि ओमेगा टी बस आ रहा है। तो मतलब ये क्या है एक्चुअली, फेज एंगल दोनों का जीरो, मतलब दोनों ही वोल्टेज और करंट सेम पोजीशन से शुरुआत करेंगे। तो देखो ये ऊपर वोल्टेज ऊपर जो ब्लू वाला है वो किसका ग्राफ है, ईएमएफ का ग्राफ है, और जो नीचे रेड वाला है वो किसका ग्राफ है, आपका करंट का ग्राफ है। तो देखिए यहीं से स्टार्ट हो रहा है वह करंट और यहीं से हो रहा है वोल्टेज। अब आप कहोगे सर करंट नीचे क्यों है, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या आई है, आई नॉट क्या आया है, आई नॉट आया है ई नॉट डिवाइडेड बाई आर, मतलब डिवाइड करने पे। तो डिवाइड करने पे चीज़ें क्या हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, बट फेस सेम बना रहेगा। मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए ईएमएफ और करंट कैसे डांस करेंगे, सेम फेज में डांस करेंगे। जैसे आपने देखा होगा ग्रुप डांस में एक बंदे का हाथ उठता है तो सबका हाथ उठता है, तो सारे के सारे सेम फेज में हैं। सो हियर ईएमएफ एंड करेंट आर इन सेम फेज। क्लियर है बच्चों, बोलो यस ऑन नो। सेम फेज रिपीट कर दो। सेम फेज का मतलब ये है बेटा कि जैसे जहां पर जिस पॉइंट पर वोल्टेज की शुरुआत होगी वहीं पर करंट की शुरुआत होगी, और जैसे वोल्टेज चलेगा उसी पैटर्न में उसी एंगल में आपका करंट चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया, यस सर आ गया। ये कहलाता है सेम फेज। जैसे आपने देखा होगा ग्रुप डांस, तो ग्रुप डांस में कोई बंदा अपना हाथ उठाएगा ऐसे तरीके से, ये वाला हाथ ऐसे उठाया ग्रुप डांस में, तो जो उसके बाजू वाला बंदा रहता है ठीक उसी टाइम में उसका भी हाथ ऐसे उठता है। तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों सेम फेज में हैं। जैसे कदम से कदम मिला करके सब चलते हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज और करेंट एकदम बराबर बराबर चलेंगे। बोलो आ गया समझ में, यस सर। चलिए अब इसका फेजर डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। तो ये क्या है, ये कौन सा डायग्राम है, ये वेव डायग्राम है, ये इसका वेव डायग्राम है। रुक जाइए एक सेकेंड, ये जो लेफ्ट में है ये इसका वेव डायग्राम है और ये इसका फेजर डायग्राम है। देखते हैं कि वेव डायग्राम और फेजर, तो इसको लिख लो, ये है वेव डायग्राम, ओके और ये है इसका फेजर डायग्राम। चलो देखो कैसे होगा फेजर डायग्राम। फेजर क्या होता है सर, फेजर मतलब एंगल होता है, फेजर मतलब एंगल, ठीक है ना। चलो फेजर मतलब क्या हुआ करता है, एंगल होता है। चलो इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा मैं इस पर, ये 11th क्लास का टॉपिक है हल्का सा, इस पर मैं हल्की सी मेहनत आपके साथ में कर देता हूँ। चलो देखो बेटा,
आप जानते हो, मान लो हंशिका कि तुम अपने स्कूल में रेस ट्रैक में दौड़ रही हो और ये पोजीशन है ए, बोलो यस। यस सर। और आप ओमेगा स्पीड से दौड़ रही हो, ठीक है, बोलो यस क्लियर। यस सर। ओमेगा स्पीड से आप दौड़ रही हो। अब देखो, अब मैं बोलूँगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है, टाइम टी होता है। 11th क्लास में क्या पढ़ा है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ओमेगा टी हो जाएगी कि नहीं होगी, बोलो। यस सर। हाँ, तो मैं अगर आपको बोलूँ टी टाइम पे, मान लो यहाँ पर टाइम टी है, क्योंकि जब आपने दौड़ना स्टार्ट किया था उस समय टाइम टी इक्वल टू कितना था, जीरो था। बट आप किसी टाइम टी पर पहुँच जाओगे तो टी टाइम पर आप कुछ एंगल बनाओगे कि नहीं बनाओगे। यस सर। हाँ, क्योंकि टी टाइम पर आप यहाँ पहुँच जाओगी तो आपका एंगल मैं पूछूंगा कितना होगा, तो वो होगा आपका एंगल कितना, ओमेगा टी। थोड़ा और आगे जाओगे टी बढ़ेगा तो आपका एंगल बढ़ता जाएगा, और आगे जाओगे तो आपका एंगल और बढ़ता जाएगा। इसलिए ये जो ओमेगा टी कहलाता है बेटा, इसको बोलते हैं फेज। और क्योंकि ये बदलता जाता है इसलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक फेज। समझ में आया, अभी क्लियर यस है, सर। कोई दिक्कत? मतलब बढ़ता जाता है तो डायनेमिक फेज हाँ, बोलते हैं ना। बदलता जाता है, बढ़ता जाता मतलब बदलता जाता। देखो एंगल बढ़ता जाएगा यहाँ से, है ना, हाँ थीटा के सर। जैसे टाइम भी बात पास होगा, आप ये चक्कर में घूमते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, तो आगे बढ़ते जाओगे तो आपका एंगल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। समझ में आया ना, तो ये आपका एंगल ही कहलाता है फेज। तो फेज क्या होती है, एंगल के फॉर्म में पोजीशन होती है। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, यस सर। अब एक चीज़ और समझो। अब दो लोग दौड़ रहे हैं, एक ये है और एक ये है। अब जैसे रेस ट्रैक होता है ना, रेस ट्रैक होता है तो मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो देखो बेटा अब मान लो टी टाइम के बाद तुम पहुँच गई यहाँ पे, ये पहुँच गई हंसिका यहाँ पे, और आर्यन पहुँच गया यहाँ पे बी पॉइंट पर। दोनों की स्पीड ओमेगा है, देखो यहाँ पे दोनों ओमेगा रफ्तार से घूम रहे हो अपने अपने चक्कर में। ओमेगा ये है, ओमेगा ये है, जैसे ओलंपिक में अलग अलग ट्रैक होते हैं ना गोले गोले, दोनों सेम रफ्तार से घूमा करते हैं। तो ये देखिए, बट दोनों का एंगल सेम होगा कि नहीं होगा, बोलो। पहले वाले का एंगल कितना आएगा, आएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आएगा कि नहीं आएगा, और ओमेगा दूसरे वाले का भी थीटा कितना आएगा बेटा, ओमेगा इनटू इनटू डी। टी। यस, तो दोनों सेम फेज में है कि अलग अलग फेज में है, सेम फेज सेम में फेज है, पे। दोनों सेम एक फेज। दूसरे को हेलो कर सकते हो सामने सामने, है ना। तो ये दोनों कहलाएंगे सेम फेज में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक हुआ है ना, सर। हाँ यस। तो ये हो गया, ठीक है ना, तो इस तरीके से ये कहलाता है सेम फेज, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या होता है। अब यदि मैं बताऊं, अभी मैंने आपको क्या बता दिया, डायनेमिक फेज, अभी मैंने आपको बता दिया डायनेमिक फेज, है ना। डायनेमिक फेज मैंने आपको क्या बताया कि बेटा जो डायनेमिक फेज होता है वो होता है थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। अब मैं आपको बताता हूँ इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, ठीक ना, इनिशियल फेज। तो इनिशियल फेज को किससे शो करते हैं बच्चों, फाइ से। इनिशियल फेज को किससे शो करते हैं, फाई से। अब मान लो हमारा ईएमएफ का इक्वेशन है, अगर उसमें इनिशियल फेज होगा तो ई इक्वल टू आएगा इक्वेशन ई नॉट साइन, अभी तक क्या होता था, ओमेगा टी। और अगर अब इनिशियल फेज या तो प्लस फाई आएगा या माइनस फाई आएगा। प्लस फाई मतलब फाई एंगल आगे, आगे को बेटा फिजिक्स में बोलते हैं लीड। और माइनस फाई है ना, तो लीड के लिए आप प्लस फाई का इस्तेमाल करोगे, और अगर माइनस करोगे तो उसको बोलते हैं लैग। लैग मतलब कितना फेज, माइनस फाइव। अब आइए देखते हैं इसको फीलिंग में समझते हैं। मान लो आपके स्कूल में एक रेस हो रही है, आपके स्कूल में क्या हो रही है, एक रेस हो रही है। ये सर्किल बन गया, ये एक्स एक्सिस बन गया, ये वाई एक्सिस बन गया, है ना। ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए। तो आपकी रफ्तार क्या है, ओमेगा। आपकी रफ्तार है ओमेगा, ठीक है ना। आप अगर टी टाइम पे हैं तो आप टी टाइम पे, यदि कोई टी टाइम पे, आपका एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। चलो हंशिका मान लो आपकी रेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्लियर है, यस सर। आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ए से। बट आपके स्कूल में, ठीक ना, क्या किया, किसी टीचर ने अपने बच्चे को सोचा कि मेरा बेटा रेस जीत जाए, तो प्रिंसिपल मैडम ने क्या किया कि अपने बच्चे को उन्होंने यहाँ पर बैठा दिया कि बेटा तुम तो एक काम करो, मैं बैठी हूँ, तुम यहाँ से दौड़ो। तो मतलब
आप स्टार्ट करोगे जीरो से, बट उनका बच्चा ऑलरेडी कोई ना कोई एंगल लेके बैठा हुआ है फाइव नॉट, समझ गए ना, उनका बच्चा कोई ना कोई एंगल लेके बैठा हुआ है फाइव नॉट, तो फाइव नॉट यहाँ पर कहलाएगा, ये इसका इनिशियल फेस फाइव नॉट है। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, अब देखो टी सेकेंड के बाद, टी सेकेंड के बाद, हाँ टी सेकेंड के बाद, अब ये भी मान लो ये भी ओमेगा रफ्तार से घूम रहा है और हंसिका आप भी ओमेगा रफ्तार से घूम रही हो, तो टी सेकेंड के बाद आपका थीटा कितना हो जाएगा बेटा, ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। बोलो यस। यस सर। बट ये जो आप यहाँ से लेकर के यहाँ पे पहुँचोगी टी सेकेंड के बाद, बट इसकी स्टार्टिंग तो यहीं से हुई थी, तो ये और आगे पहुँच जाएगा यहाँ पर, हाँ या ना? यस सर। तो इसका टोटल एंगल कितना काउंट होगा उस समय, इसका टोटल एंगल काउंट होगा फाई नॉट ये वाला और ओमेगा टी, और तो इस वाले का जो फेस बनेगा वो बनेगा कितना, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब आया समझ में? यस सर। क्लियर हुआ भाई? सर ये फाई नॉट कैसे? अरे फाई नॉट इनिशियल फेज उसको दे रखा है ना ऑलरेडी, आपने बिठा रखा है कि बेटा तुम्हें यहाँ से चलना है। ओमेगा इनटू टी मतलब वो एक्स्ट्रा जोगी, वो जो टाइम के साथ एंगल भी तो ट्रेवल करेगा ना इतना थीटा। यस सर। तो भैया पहले से फाई नॉट था, फाई नॉट एंगल पहले ही से था, ये देखो वो टीचर का बेटा है, उसको पहले ही ने मैडम से बैठा दिया था इस फाई नॉट एंगल पे, और अब घूमेगा भी तो जैसे जैसे विसल बजी दौड़ो, तो ओमेगा रफ्तार से दौड़ना शुरू हुआ, तो टी टाइम तक कितना एंगल ट्रेवल करेगा, ओमेगा इनटू टी, हाँ या ना? यस सर। हाँ, अब फाई नॉट एंगल पहले से लेके आया है और ओमेगा टी आगे से और दौड़ गया, मान लो इतना एंगल दौड़ गया, तो अब जो नई वाली पोजीशन होगी इसकी ये वाले की कितनी होगी, थीटा डैश इसको बोलेंगे, क्या होगी, फाई नॉट प्लस ओमेगा टी, होगी कि नहीं होगी? यस सर। मगर हंसिका आप तो यहाँ से दौड़ रही थी और आपकी रफ्तार कितनी है, ओमेगा है, तो आप तो आपका इनिशियल एंगल तो जीरो है, तो आपका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, केवल ओमेगा इंटू टी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। हाँ, तो इसलिए हंसिका का इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे, हंसिका का इक्वेशन ईएमएफ इक्वेशन बनेगा इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर हुआ? हेलो सर। क्लियर। इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और मैडम के बेटे का इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, इक्वल्स टू ए नॉट साइन ओमेगा टी और प्लस फाई एंगल लीडिंग, फाई एंगल आगे, समझ में आया कि नहीं आया? सर ये साइन नहीं आया सर। अरे यार ईएमएफ इक्वेशन साइन में होता है, तुमने पहला लेक्चर पढ़ा नहीं है बेटा, पढ़ना चाहिए ना तुरंत का तुरंत उसी दिन लेक्चर। इक्वल टू ये जो वेब बनती है साइन में ही होती है, साइन में और कॉस में, दो वेब सिखाई थी, एक साइन वाली और एक कॉस वाली। साइन वाली हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट जीरो होता है, वो मिनिमम से स्टार्ट होती है जीरो से, और जो कोसाइन वेव होती है वो हमेशा मैक्सिमम से स्टार्ट होती है, समझ गए ना? तो अगर ईएमएफ इक्वेशन इसका बनेगा तो बनेगा इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका बनेगा क्या भैया, इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, समझ में आया कि नहीं आया? हंसी का आवाज़ क्यों नहीं आ रही तुम्हारी बेटा? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। चलो ठीक है, तो ये बेटा कहला गया फेस, जो मेरे को पढ़ाया मैंने आपको, ये कहला गया फेस। तो फिलहाल मैं वेव यहाँ पे फेजर डायग्राम बना रहा था, तो फेजर डायग्राम में दोनों ई और आई एक साथ साथ चल रहे हैं, तो इसलिए दोनों के डायनेमिक एंगल जो होंगे वो कितने होंगे, ओमेगा टी। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और ई नॉट का वेक्टर बड़ा बनेगा क्योंकि ई नॉट मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, और उसी के पीछे आई नॉट चलेगा क्योंकि आई नॉट कम है। बोलो क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। हाँ, आप एंगल आप जो है फेजर डायग्राम ऐसे भी बना सकते हो इसका। सर आपने तो अभी बोला कि ओमेगा मतलब जो वो है क्या कहते हैं आई नॉट और ओमेगा नॉट पे वो है आई नॉट और एक और क्या है सर ई नॉट E0. तो वो दोनों आपने बोला ना कि जब एक बनेगा तो दूसरा बनेगा मतलब E0 बनेगा वहीं से I0 बनेगा, तो दोनों को बराबर होना चाहिए। बराबर क्यों होगा बेटा, E0 की इक्वेशन क्या आई थी, इक्वल टू कितनी आई थी, E0 sin omega t आई थी, बोलो हाँ, और जो I बनी थी वो क्या बनी थी E0 by R,
साइन ओमेगा टी, तभी तो इसी का नाम तो आई नोट दिया था आपने, हाँ या ना। तो ध्यान से देखो, जब किसी चीज़ में किसी को डिवाइड करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड कम कम सेट हो होगा कि, जाता। हाँ कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका, अगर मान लो ये वेक्टर यहाँ तक की लेंथ को ले रहे हो ई नॉट, तो इसके पीछे चलेगा क्या, आई नॉट, और दोनों का आई एंगल नो सेम है ओमेगा टी, दोनों का जो डायनेमिक एंगल है वो सेम है। तो ऐसे भी बना सकते हो, और एक तरीका ये भी है बेटा कि ऐसे बनाओ, तो यहाँ पर कर दो ई नॉट और यहाँ पर कर दो आई नॉट, दोनों सेम फेज में हैं, देख लो ये यस सर। बात एक ही है, सेम फेज। तो दोनों तरीके चलते हैं, जो आपको अच्छा लगे बना लेना, क्लियर है बेटा। यस सर। चलिए ये हो गया, तो पहला डायग्राम आपका आपका आ गया, पहला आपका आ गया इंडक्ट एसी सर्किट विद प्योर रेजिस्टेंस। अब हेडिंग डालिए अगला, एसी सर्किट विद प्योर इंडक्टर, एसी सर्किट विद प्योर इंडक्टर। एसी सर्किट विद प्योर इंडक्टर, एसी सर्किट विद प्योर इंडक्टर, ठीक ना। चलिए बच्चों समझिए, एसी सर्किट विद प्योर इंडक्टर, इंडक्टर तो आप सब लोग जानते हैं, एक कॉइल होती है जो अभी आपको पीछे दिख रही थी, ये एसी सर्किट है, और यहाँ पर आपने क्या लगाया, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ईएमएफ क्या बताता हूँ मैं इस चैप्टर में, मैं बताता हूँ ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये बताता हूँ मैं आपको ईएमएफ, है ना। अब देखिए यहाँ से करंट जाएगी आई नॉट, सॉरी आई जाएगी, आई नॉट क्यों जाएगी भाई, यहाँ से जो करंट जाएगी वो क्या जाएगी, आई। अब आपको इस करंट की इक्वेशन याद करनी है, तो इस करंट की इक्वेशन बच्चों याद कीजिए, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। जी हाँ, मतलब करंट क्या है, ओमेगा टी से पाई बाई टू एंगल पीछे है, पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री पीछे है, तो यहाँ पर करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है, मतलब पीछे है, और ईएमएफ क्या कर रहा है, ईएमएफ यहाँ पर लीड कर रहा है। नोट करो बच्चों, करंट की इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो करंट यहाँ पर लैग कर रही है और ईएमएफ यहाँ पर लीड कर रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। सर यस सर। लैग एंड लीड वाला बता दो, इसमें कैसे लैग बेटा कर रहा है लैग, लीड लैग एंड लीड, देखो बेटा यहाँ पे आई का इक्वेशन देखो, आई की इक्वेशन में वोल्टेज का एंगल कितना था बेटा, तुरंत का ओमेगा टी था कि नहीं था, बोलो। हाँ यस सर। वोल्टेज का तुरंत का एंगल ओमेगा टी था। अब करंट का एंगल देखो बेटा, ओमेगा टी से ज़्यादा है कि कम है, सर कम है, कम है। कम होना मतलब लीड या लैग, लैग 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 मतलब पीछे, तो कौन है पीछे, करंट पीछे है और वोल्टेज क्या है, आगे है। समझ में आया, यस समझ में आया। सर। हाँ तो यदि इसका फेजर डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनाओगे, इसका फेजर डायग्राम आप बनाओगे तो ऊपर चलेगा वोल्टेज, इंडक्टर का वोल्टेज क्या कहलाता है बेटा, वीएल, और यहाँ चलेगी क्या, करंट, यहाँ क्या चलेगी, करंट, है ना, यहाँ चलेगी करंट। तो ध्यान से देखो, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे है, पाई बाई टू मतलब कितने डिग्री, 90 डिग्री। देखो वोल्टेज आगे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो वोल्टेज आगे चल रहा है और करंट कहाँ है, पीछे है। समझ में आया। यस सर। तो वोल्टेज जो है हमेशा आगे चलेगा, क्लियर है। यस सर। एनी प्रॉब्लम। नो सर। हाँ नो प्रॉब्लम। तो चलिए ठीक है ना, तो एक बार दोनों की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ई का इक्वेशन मैंने क्या बताया बेटा, ई का इक्वेशन मैंने बताया ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, यही बताया ना मैंने। यस सर। मैं इसको लिखता हूँ अपने पीडीएफ में, इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यदि मैं ई का ग्राफ बनाऊँ तो कैसे बनेगा बेटा, देखो वेव ग्राफ साइन ओमेगा टी मतलब 0 से स्टार्ट होता है, ये जाएगा हमारा वोल्टेज जाएगा, ठीक है ना। अच्छा आई मैंने क्या बताया आपको, आई मैंने बताया आपको आई नॉट साइन नॉट ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, आर ए टू। माइनस पाई बाई टू, समझ गए ना। यस सर। हाँ तो कोई चीज़ अगर पीछे चलेगी तो बताओ बाद में दौड़ना शुरू करेगी कि पहले दौड़ना शुरू कर देगी, बाद में हाँ बाद बाद में। तो करंट जो है बेटा यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा, ये पहले शुरू कर देगा
और करंट बाद में दौड़ना शुरू करेगा, तो करंट की मैं डायग्राम अलग से बना रहा हूँ अलग कलर से। ये देखो करंट यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा ये इस तरीके से, ये देखिए। तो ये किसका ग्राफ हुआ, ये ईएमएफ का हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये करंट बाद में क्योंकि पीछे है, जो बाद में दौड़ता है वो पीछे होता है। तो भैया ये किसका हो गया, आई नॉट साइन करंट ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। समझ में आ गया? हाँ, तो फेजर डायग्राम ये याद कर लेना भैया, ये याद कर लीजिएगा। पिछले बार क्या हो रहा था पिछले? हाँ बोलो। ये जो माइनस पाई बाय टू है तो वो इसलिए है ना क्योंकि ये पीछे चल रहा है। बस बस इसी के पीछे चल रहा है क्योंकि इसने बाद में दौड़ा, तो बाद में दौड़ा इसलिए लैग कर गया। अगर मान लो ये यहाँ से दौड़ा होता तो लीड कर जाता, क्योंकि जो पहले से दौड़ता है वो लीड कर जाता। हाँ, तो समझ में वो आया ना? प्लस ओमेगा पाई बाय बस, टू। वेरी गुड, बहुत अच्छी ज्ञान की बात करी आपने कई वर्षों के बाद, बिल्कुल सही, तब प्लस हो जाता। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब एक चीज़ यहाँ याद रखिए बच्चों, नई चीज़ है आपके लिए, कि जो हमारे पास इंडक्टर का, पहले हमारे पास क्या था, रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस हम डायरेक्टली आर से शो करते थे, और हम कहते थे कि भैया करंट इक्वल टू मैक्सिमम, करंट इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज ई नॉट बाई आर। पढ़ा ना कि नहीं पढ़ा, बोलो। ऐसे हाँ पढ़ा है, अभी अभी पढ़ाया मैंने। अब इंडक्टर का बच्चों जो रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस बेटा आर नहीं कहलाता है, इंडक्टर के रेजिस्टेंस का एक नया नाम आ जाता है बच्चों, क्योंकि इंडक्टर एसी में अलग तरीके से काम करता है ना। इंडक्टर का रेजिस्टेंस कहलाता है बेटा एक्सएल। क्या कहलाता है? एक्सएल। तो इंडक्टर के रेजिस्टेंस के बारे की कहानी सुन लीजिए थोड़ी सी। इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है बेटा वो आर नहीं होता है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है एक्स एल। इसको बोलते हैं इंडक्टर का रिएक्टेंस, और जिसे पढ़ा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस, सर फिर इंडक्टिव। से बता दूं। इंडक्टर का रेजिस्टेंस आर नहीं होता है, इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसे एक्स एल होता है, उसे रिएक्टेंस बोलते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है? देखो क्या होता है, जो डीसी करंट होती है उसमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पर प्योर रेजिस्टेंस दिखाता है अपना असर। बट जो एसी करंट होती है वो कम ज़्यादा होकर के चला करती है, तो कम मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी हुआ करती है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी की वजह से इसका एक नया रेजिस्टेंस सेट होता है जिसको एक्सएल बोलते हैं, और एक्सएल इक्वल टू कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल की वैल्यू याद कर लो बच्चों, एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल। ओमेगा मतलब फ्रिक्वेंसी, एल मतलब इंडक्टेंस। पढ़ के आए हो पिछले चैप्टर में इंडक्टेंस क्या होता था, भूल गए हो तो फिर से पढ़ लेना फिर से। तो एक्सएल मतलब ओमेगा इंटू एल। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई f, 11th क्लास, 2 पाई f इंटू एल। यस, ये हो गई पूरी वैल्यू, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल 2 पाई f l। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, तो करंट इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन आर नहीं आएगा, इस बार आएगा एक्सएल, मतलब ई नॉट बाई ओमेगा एल। नोट कर लो, ये है इस बार पीक करंट। आई नॉट मतलब पीक करंट, सबसे ज़्यादा करंट, दिस इज कॉल्ड पीक करंट। सर हाँ बोलो। एक्सएल को ओमेगा एल से रिप्लेस कर दिया एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल होती है बेटा, एक्सएल इक्वल टू और ओमेगा एल उसकी होता है। वैल्यू एक्सएल ओमेगा सिंबल एल है, सिंबल है एक्सएल, उसका सिंबल है रिएक्टेंस का। और फिर ये 2 पाई ये क्या है सर? बेटा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f था ना लास्ट ईयर, फॉर्मूला फ्रिक्वेंसी का, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f, याद करो, या यस इसी को सर। 2 पाई न्यू बोलते थे। हाँ, टू पाई है। और याद दिलाना है तो लियो याद दिलाता हूँ, है ना। ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रिक्वेंसी अपॉन टाइम पीरियड, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। तो यस एक पूरे चक्कर के लिए थीटा इक्वल टू 2 पाई और अपॉन टी, तो 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टाइम पीरियड को क्या बोलते थे, फ्रिक्वेंसी, तो ये बन जाता था सर। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f, 11th क्लास, ठीक है, नोट कर लो। सो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f, इसी को वेव में हम लोग बोलते थे 2 पाई न्यू, क्योंकि लीनियर फ्रिक्वेंसी हम लोग एफ में लेते हैं, मगर वेव फ्रिक्वेंसी हम लोग न्यू में लेते हैं।
उसी फ्रिक्वेंसी का नाम वहाँ पर न्यू पड़ जाता है, तो इसी को 2π न्यू बोलते थे, समझ गए ना। कुछ किताबों में 2π n बोलते हैं फ्रिक्वेंसी को, कुछ किताब लोग n बद दिखाते हैं, तो 2π न्यू हो जाता है, n हो जाता है। समझ में आया? हेलो सर। यस सर, यस सर। चलो हंसिका क्लियर है? यस सर। सो ओमेगा इक्वल टू 2π f। तो चलिए आगे चलते हैं, डायग्राम देखते हैं। ये देखिए जी, वोल्टेज की इक्वेशन इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मतलब करंट क्या करेगी, लैग करेगी ईएमएफ को कितने रेडियन से, पाई बाई टू रेडियन से। एक्सएल मैंने पढ़ा दिया, आई नॉट इक्वल टू कितना होता है, आई नॉट इक्वल टू टोटल वोल्टेज ई नॉट अपॉन एक्सएल, और एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल। ये देखो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, एक्सएल को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी यूनिट क्या होगी, ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस को ही तो इसने रिप्लेस किया, इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, ओम। अब देख लो भाई वेव डायग्राम, देखो वोल्टेज यहीं से शुरू हुआ है और करंट लैग कर रहा है, मतलब कहाँ शुरू होगा, पीछे से। ये देखो बाद में शुरू हुआ, ये समझ गए, तो ये करंट हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, अब फेजर डायग्राम देखो, फेजर डायग्राम ई नॉट का डायनेमिक एंगल कितना है बेटा, ओमेगा टी, मगर इसका एंगल पाई बाई टू पीछे करना है, तो ओमेगा टी से एंगल से पाई बाई टू पीछे कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा बस, तो इस डायरेक्शन में करंट बना दो। ऐसा वाला भी फेजर डायग्राम सही है, और अगर आपको मेरा वाला अच्छा लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे लेता हूँ वी एल यानी वोल्टेज, या इसी को लिख लो ई नॉट, इसी को लिख लो ई नॉट, और नीचे यहाँ पे जाती है क्या, करंट आई नॉट, तो ये भी सही है और ये भी सही है। समझ में आ गया? यस सर। चलिए ठीक है ना बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया एसी सर्किट इन प्योर क्या, इंडक्टर, है ना, ये एसी सर्किट का रिस्पॉन्स है प्योर इंडक्टर के केस में। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। चलिए तीसरा लिखिए बच्चों कॉपी में, एक्सप्लेन एसी सर्किट, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्स ऑफ एसी सर्किट विद प्योर कैपेसिटर, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्स ऑफ एसी सर्किट विद प्योर कैपेसिटर। चलिए प्योर कैपेसिटर के साथ एसी सर्किट का रिस्पॉन्स देखिए, ठीक है ना, प्योर कैपेसिटर है और प्योर कैपेसिटर के साथ हम एसी सर्किट का रिस्पॉन्स देखने वाले हैं। आइए देखिए, ये हमारे पास एक प्योर कैपेसिटर, ये प्योर कैपेसिटर लगा हुआ है ना, और इसके साथ एसी सप्लाई मैंने लगा दी है। क्या है सप्लाई का नाम, वही पुरानी सप्लाई ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब यदि मैं ई के ग्राफ की बात करूँगा तो इस तरीके से जाएगा वोल्टेज, या ई एम एफ इस तरीके से जाएगा, दिस इज़ कैपिटल ई, और ये इसकी पीक वैल्यू है जिसे हम बोलते हैं ई नॉट। जब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों हम, तो आई की इक्वेशन क्या आती है, देखिए ध्यान से, आई की इक्वेशन कॉपी में लिखिए अपने अपने, आई की इक्वेशन बनती है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अरे वाह, यहाँ तो करंट क्या कर गई, लीड कर गई, मतलब करंट पहले जाग जाएगी और वोल्टेज बाद में चलेगा। तो अभी बताया था आर्यन ने कि सर अगर वहाँ पे लीड करेगी तो प्लस पाई बाई टू हो जाएगा, मतलब जिस समय सीटी बजेगी या जिस समय आपका विसल बजेगी उसी समय पाई बाई टू एंगल पहले से स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए कौन, करंट, करंट पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। ज़रा देखिए मैं दोनों डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने, कैसे काम चलेगा इसका। दोनों डायग्राम मैं बनाता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। किसका है ये, कैपेसिटर का है ना, कैपेसिटर लगा है, नीचे बैटरी लगी है एसी बैटरी। तो देखो ब्लैक कलर में मैं क्या बना दूं, अपना वोल्टेज ई नॉट साइन ओमेगा टी, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये क्या है, ये है प्लस पाई बाई टू, ये है जीरो, और इधर क्या होगा माइनस पाई बाई टू। तो देखिए पहला इक्वेशन क्या आया है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये है, और इसका इक्वेशन क्या आया है करंट का, करंट का इक्वेशन आया है आई इक्वल टू आई नॉट
साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, मतलब करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है, मतलब करंट आगे है, तो करंट जो है पहले ही स्टार्ट हो चुकी होगी। तो करंट कैसे बनाएंगे आप, देखिए यहाँ से बनाइए करंट को, तो ये बनेगी करंट, बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? सर जहां से ये चालू हुई है ई नॉट, वहीं से करंट नहीं कर सकते चालू? नहीं, फिर तो सेम हो जाएगी बेटा, फिर तो सेम हो जाएगा, फिर लीड किस बात का? नहीं, तो हाँ जो जो ये है ना, क्या कहते हैं, जहां जीरो है जीरो से अच्छा करंट अच्छा है आई अच्छा नॉट। आप कह रहे हो कि सर यहाँ से हम दिखा दें, ये पीछे का हिस्सा ना बनाएं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है, आप जहां पाई मेरे बाय टू लिखा है वहां से ई नॉट चालू कर दो, जहाँ पाई बाई टू लिखा है वहाँ से ई वहां से नॉट ई नहीं, नॉट चालू कर दो। वहाँ से आई नॉट बोलो बेटा, आई नॉट, ये आई है, ई तो ये नहीं, है ना, यहाँ ई पे तो भी आई ये है। नॉट को लीड कर रहा है ना सर, हाँ ई नॉट, तो आई नॉट पहले, लीड कर रहा। हाँ हाँ तो पहले आई नॉट आगे आएगा, तो आई नॉट को अपन जहां से ई नॉट चालू किया वहां से कर दो। हाँ हाँ ये तुम इस और पॉइंट से बोल रहे हो, इस पॉइंट से ना? हाँ, हाँ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर आप नहीं भी बनाओगे तो अंडरस्टूड है, मैंने भी देखो ना डायग्राम में कहाँ बनाया है, वो देखो ये देखो अंडरस्टूड है वो, ठीक है ना, यस सर, अंडरस्टूड है कि भैया ये पहले शुरुआत हुआ है क्योंकि यहाँ से आ रहा होगा, समझ में आया ना? यस सर, हाँ तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है माइनस पाई बाई टू से, मतलब पहले स्टार्ट हो गया है, क्लियर? यस सर, हाँ किसी की स्टार्टिंग पॉइंट देखनी हो तो उसके अंदर के एंगल को जीरो पुट कर दिया करो, ये जो एंगल बैठा है ना ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू दिख रहा है, इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो, स्टार्टिंग पता चल जाएगी। देखो पूछो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू इक्वल टू कितना, जीरो, तो आंसर ओमेगा टी इक्वल टू कितना, माइनस पाई बाई टू। ओमेगा टी को क्या बोलते हैं, थीटा, थीटा मतलब कितना, माइनस पाई बाई टू, मतलब ये कहाँ से यस स्टार्ट हुआ है, माइनस पाई बाई टू से, समझ में आ गया? सर आ गया, यस सर, हाँ तो इस बार कौन लीड कर रहा है, इस बार करंट लीड कर रही है, तो देखो वोल्टेज का डायनेमिक एंगल कितना है, ओमेगा टी, और उससे लीड कराना है करंट को तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर जाओ, क्लॉकवाइज मतलब आगे की तरफ, तो आ जाएगी करंट, क्लियर हुआ? यस सर, ये वोल्टेज यस का सर, एंगल और ये करंट का एंगल, तो कोई बोले करंट का टोटल एंगल बताओ, तो ध्यान से देखो यहाँ से यहाँ तक काउंट होगा, ओमेगा टी इतना और पाई बाई टू इतना, तो करंट का जो टोटल एंगल आएगा वो कितना आएगा, करंट का टोटल एंगल ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, जो पाई बाय करंट का टू, टोटल एंगल काउंट होगा, टोटल एंगल को बोलते हैं बच्चों टी पाई बाय आर्गूमेंट। प्लस पाई बाय टू, हाँ खैर मैथ वालों को काम में आता है, फिजिक्स वालों को काम में नहीं है, टोटल एंगल को बोलते हैं आर्गूमेंट, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो या तो एक फेजर डायग्राम आप लोग ये बना सकते हैं, या दूसरा फेजर डायग्राम आप मेरा वाला बना सकते हैं, ये देखिए ये है वोल्टेज, इस बार कौन लीड कर रहा है, इस बार जो है करंट लीड कर रही है ना, इस बार देखिए जरा कौन लीड कर रहा है, इस बार करंट लीड कर रही है, बिल्कुल सही। तो ये ले लें वोल्टेज यहाँ पे, ये है ई, और यहाँ ले लें करंट आई, करंट, करंट इन द कैपेसिटर आई सी। तो इस बार करंट लीड कर रही है कितने एंगल से, पाई बाई टू एंगल से, तो चाहे तो ये बना लें चाहे तो वो वाला बना लें, वो वाला ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, क्या इन्फॉर्मेशन देता है वो वाला, वो वाला कहता है कि वोल्टेज का जो इंस्टेंटेनियस फेज है वह है ओमेगा टी, ये है क्या ई नॉट, और जो करंट जा रही है वो 90 डिग्री आगे जा रही है, तो ये एंगल बन जाएगा पाई बाई टू, 90 डिग्री दिख रहा है ये, बिल्कुल देखो परपेंडिकुलर है, एल बन रहा है, एल एल मतलब 90 डिग्री, हाँ तो ये बन जाएगी अपनी करंट, क्लियर? यस सर, यस सर, ठीक है ना, यस। अब देखिए आई नॉट इक्वल टू क्या होता है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब जो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होता है, अभी आपने देखा था इंडक्टर का रेजिस्टेंस, इंडक्टर का रेजिस्टेंस मैंने आपको क्या बताया था बेटा, एक्स सी, एक्स एल, सॉरी एक्स एल, जिसे आपने बोला था इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका नाम था इंडक्टिव रिएक्टेंस। ऐसे ही कैपेसिटर का भी एक नाम होता है रेजिस्टेंस का, जिसे बोलते हैं एक्स सी, और इसका पूरा नाम है कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्स सी, ई नॉट अपॉन एक्स सी, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्स सी, यहाँ पे एक्स सी होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बेटा एक्स सी की वैल्यू याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
एक्सएल की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, ओमेगा एल, और एक्ससी की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन ओमेगा सी। नोट कर लो, इससे पक्का पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक एक्सएल से आ सकता है और एक एक्ससी से आ सकता है, एक्सएल और एक्ससी, ठीक है? ठीक है, हाँ। तो ये हो गया बच्चों, अब इसको देख लो पूरा पूरा, देख लीजिए इसको पूरा पूरा। हाँ, यहाँ पे देखिए, आई इक्वल टू ई नॉट है ना अपॉन एक्स सी, ई नॉट अपॉन एक्स सी, यहाँ पे आएगा ये लिखा हुआ एक्चुअली, तो क्या लिखा है, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई एक्स सी है बेटा, एक्स सी मतलब वन अपॉन ओमेगा सी, ये देखिए, और एक्स सी की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन ओमेगा सी। तो दिस इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना। अब ये सब डेरिवेशन आपके कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ रिमूव हो चुका है, तो ये सब मैं पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा आपको। आपको मेनली डेरिवेशन याद नहीं करने, आपको रिजल्ट याद करना है। तो करंट की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, डन बेटा, क्लियर हो गया? यस सर। चलिए, तो फेजर डायग्राम भी क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, यस। अब लिखिए, वेरिएशन ऑफ एक्सएल विद फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएशन ऑफ एक्ससी विद फ्रीक्वेंसी, वेरिएशन ऑफ एक्सएल विद फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएशन ऑफ एक्ससी विद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अभी मैंने बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों, कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी की पावर जीरो, जीरो मतलब नो डिपेंडेंस, जीरो मतलब नो डिपेंडेंस, डिपेंडेंस से कोई मतलब नहीं है, है ना। हाँ, एफ का मतलब एफ की पावर जीरो मतलब इंडिपेंडेंट, जीरो पावर मतलब इंडिपेंडेंट, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आर इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा की पावर जीरो, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी और एफ का मतलब लीनियर फ्रिक्वेंसी। तो रेजिस्टेंस को फ्रिक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, मगर दो चीज़ें हैं, देखिए इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है, एक्सएल, और एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। अब किसी क्वाइल का एल तो कांस्टेंट होता है, तो एक्सएल किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, ओमेगा के, मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा रिएक्टेंस। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये ले लो ओमेगा, ये ले लो एक्सएल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ दौड़ा दो, ये बन गया एक्सएल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। हाँ, अब देखो आर्यन, एक्सएल प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, ओमेगा क्या होता है बेटा, टू पाई एफ, तो टू पाई भी तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इसके साथ ये भी प्रोपोर्शनलिटी में आ जाएगा, कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होगा, मतलब एक्सएल प्रोपोर्शनल टू एफ, तो कोई चाहे यहाँ ओमेगा बना दे, यहाँ यहाँ एफ बना दे, बात बराबर है, समझ गए? यस सर। नोट कर लो, एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा, एक्सएल प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। एक्सएल प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, सर ये फिर से बताना सर, ऊपर का एक्सएल बराबर ओमेगा एल। देखो भैया, एक्सएल इक्वल्स टू मैंने ओमेगा एल बताया ना आप लोग को, फॉर्मूला होता है। हाँ सर। तो एक्स बेटा एल तो कांस्टेंट है, क्योंकि एल तो इंडक्टर का क्वाइल का क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है, वो तो कांस्टेंट होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, हाँ या ना। तो बदल क्या सकता है, करंट रेजिस्टिविटी होती ना वैसे ही। अरे कहाँ, हाँ हाँ बिल्कुल सही, हाँ हाँ तुम कह रहे हो रेजिस्टिविटी जैसी होती, एग्जैक्टली ये तो इंडक्टेंस होता है ना, लास्ट चैप्टर में पढ़ा ना इंडक्टेंस, सर सर इंडक्टेंस लास्ट चैप्टर में पढ़ा, क्वाइल की प्रॉपर्टी होती इंडक्टेंस, है ना। तो एक्सएल तो बेटा ये प्रोपोर्शनल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, अगर कांस्टेंट हो गया तो एक्सएल किसके प्रोपोर्शनल हुआ, ओमेगा के, मतलब ओमेगा बढ़ेगा तो इंडक्टेंस ये रिएक्टेंस बढ़ेगा, और ओमेगा घटेगा तो रिएक्टेंस घटेगा, ठीक है। तो ये ओमेगा हो गया और ये एक्सएल हो गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा जाता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यस सर। ये इसी को लिख सकते हो एक्सएल प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे ओमेगा लिखना तो ओमेगा लिख दो, और फ्रीक्वेंसी पे खेलना तो फ्रीक्वेंसी पे खेल दो, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एफ का मतलब लीनियर फ्रीक्वेंसी। क्लियर बच्चों? यस यस, ठीक है, ये हो गया। चलिए आइए देखते हैं डीसी के लिए, डीसी करंट के लिए ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, फॉर डीसी, फॉर
डीसी के लिए एक्सएल की वैल्यू क्या होगी? देखिए, तो डीसी जो करंट होती है कैसी चलती है? डीसी करंट बिल्कुल डांस नहीं करती है, सीधे चलती है, टाइम के साथ वही वैल्यू बनी रहती है। तो डीसी करंट के लिए ओमेगा कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि जो चीज़ वाइब्रेट नहीं करेगी उसकी फ्रिक्वेंसी ही नहीं होगी। तो डीसी करंट का ओमेगा कितना होता है? 0। तो चलिए, एक्स एल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, तो कितना हो गया? 0 इंटू एल। तो एक्स एल डीसी के लिए कितना आ गया? 0 ओम। क्या मजे की बात है भाई, ज़बरदस्त। तो फॉर डीसी जो इंडक्टर होता है वो किसका क्या करेगा? 0 ओम देगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं देगा। 0 ओम को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल पाथ, बहुत फूल भरा हुआ रास्ता, आइडियल पाथ। मजा आ गया चलने में, ठीक है ना? मतलब वेव्स नहीं है तो 0 हो गया हो। क्या नहीं क्या? हाँ, वेव्स नहीं है मतलब फ्रिक्वेंसी नहीं है बेटा। अब वेव्स नहीं है मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी है ही नहीं ना, फ्लैट एकदम एकदम बिना डांस करते हुए जा रही है, समझ गए ना? कोई रिपीटेशन रिपीटेशन ऊपर अप एंड डाउन नहीं है, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? 0। यस अब सर। जैसे मैं सिंगल टोन आवाज़ निकालूं, है ना, टू, जैसे बजर देखा होगा आपने, बजती है मोबाइल में, 2 3, है ना? तो उसको दबाए रहो तो टू, बिल्कुल कांस्टेंट आवाज़ है, तो उसकी क्या होगी फ्रिक्वेंसी? 0, जीरो क्योंकि वो बदलेगी नहीं, समझ गए ना? बट यस इसी को मैं आवाज़ करूँ टू, तो कम ज़्यादा, समझ गए ना? तो वहाँ पे फ्रिक्वेंसी होगी। तो इस तरीके से ये फ्रिक्वेंसी का फंडा है। डीसी करंट की फ्रिक्वेंसी क्या होती है? 0, क्योंकि वो कम ज़्यादा नहीं होती, बिल्कुल कांस्टेंट होती है, ठीक है? हाँ, तो एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल मतलब डीसी के लिए, फॉर डीसी इंडक्टर जो होगा वो क्या रेजिस्टेंस देगा? 0 रेजिस्टेंस देगा। एक्स एल इक्वल टू 0, और एक्स एल इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है? आइडियल पाथ, आइडियल पाथ, है ना? बाहरों फूल बरसाओ, ठीक ना? आइडियल पाथ। तो आइडियल पाथ कैसे शो करते हैं बच्चों? आइडियल पाथ को शॉर्ट सर्किट, ये देखो बिल्कुल ऐसे ब्लैक सा पाथ बना के, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। आइडियल पाथ मतलब करंट को जाने के लिए फुल परमिशन है, आ जाओ जाओ, समझ गए ना? तो इंडक्टर जो हो जाएगा कि काहे में बदल जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आइडियल पाथ, ठीक है? यस सर। नीचे क्या लगी है? एसी लगी हुई है, एसी के लिए रिस्पॉन्ड बता रहा हूँ मैं, एसी के लिए, ठीक है? यस, तो यहाँ पे एसी लगा हुआ है। चलिए एंड, अब देखिए बिहेवियर ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का मैंने क्या बताया? एक्सी, एक्सी इक्वल टू 1/ωc। तो कैपेसिटर तो क्या है? मटेरियल का कांस्टेंट होगा, कंडेंसर का कैपेसिटर कांस्टेंट होगा। तो एक्सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, मतलब इस बार ओमेगा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर ओमेगा बढ़ेगा तो एक्स सी घटेगा। तो ओमेगा बढ़ाते जाओ और एक्स सी को घटाते जाओ, ये देखो, ये देखो, देखो यहाँ ओमेगा बढ़ रहा है और यहाँ रिएक्टेंस घट रहा है। आया समझ में नहीं आया? यस हाँ, सो एक्स सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, एक्स सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आप लोग, जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है ओमेगा के साथ बढ़ेगा। अब मैं अगर बोलूँ डीसी के लिए, डीसी के लिए एक्स सी क्या होगा? मतलब कैपेसिटर जो होगा वो अगर आप उसके साथ डीसी बैटरी लगा दो तो वो कैसे बिहेव करेगा? देखिए इसको, हालांकि मैंने पढ़ा चुका हूँ, याद कीजिए, जब भी मैं कहता हूँ डीसी बैटरी के साथ कैपेसिटर लगा था तो कैपेसिटर ओपन हो जाता था, आज वो बात घूम करके फिर से आ गई है। डीसी के लिए आप सब जानते हैं फ्रिक्वेंसी कितनी होती है डीसी की? 0। तो एक्स इक्वल टू 1/ωc, ओमेगा की वैल्यू 0 पुट करो तो 1/0 × c मतलब कितना? इन्फिनिटी। एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी ओम, इन्फिनिटी ओम मतलब अनलिमिटेड रेजिस्टेंस, अनलिमिटेड रेजिस्टेंस मतलब क्या रहेगा? ओपन पाथ। तो कैपेसिटर क्या रहेगा डीसी के लिए? ओपन हो जाएगा बेटा। तो ये देखो कैपेसिटर ओपन हो गया, ये डीसी बैटरी लगी है। और आप लोग को याद होगा मैंने इसके क्वेश्चन करवाए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इसमें कैपेसिटर वाले चैप्टर में, कि डीसी के लिए कैपेसिटर जो होगा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो लिख लो, फॉर द डीसी कैपेसिटर बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट।
डन भाई, बन गया, लिख लिया बच्चों? समझ में आ गया? नहीं है? यस हाँ, सर। तो डीसी के लिए याद रखिएगा कि डीसी के लिए जो कैपेसिटर होता है ना, अगर आप कैपेसिटर के साथ डीसी बैटरी लगाएंगे तो ये इसको फुल चार्ज कर देता है, बताया था मैंने ऐसे वहाँ पे। और फुल चार्ज करने के बाद जब इसका पेट भर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो डीसी के लिए कैपेसिटर एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा, करंट आगे नहीं जाएगी। चलिए तो ये देख लीजिए, ये डायग्राम मैंने बना दिया है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि फर्स्ट केस में देखिए एक्स एल इज़ प्रपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, या एक्स एल प्रपोर्शनल टू ओमेगा, है ना। यहाँ पे लीनियर फ्रिक्वेंसी ले ली है मैंने, ओमेगा में बताया था 2 पाई कांस्टेंट होता है, एल भी कांस्टेंट होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स एल प्रपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी बोल दो या प्रपोर्शनल टू ओमेगा कह दो। अब यहाँ पे क्या होता है, एक्स एल इनवर्सली प्रपोर्शनल टू ओमेगा पढ़ाया, और इसी को बोलते हैं 1/f कह दो, ठीक है। हाँ, इंडक्टेंस एल कैन नॉट डिक्रीज डायरेक्ट करेंट, इट कैन ओनली डिक्रीज ऑल्टरनेटिंग करेंट। हाँ, इंडक्टेंस जो होता है वो किसको डिक्रीज करेगा? ऑल्टरनेटिंग करंट को ही डिक्रीज करेगा, और ये डीसी पे असर नहीं डालेगा, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जीरो। डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जीरो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो एक्सएल प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, अगर ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सएल भी क्या होगा? बढ़ेगा। और एक्सएल बढ़ेगा तो क्या होगी? करंट घटेगी। क्यों घटेगी? आई नॉट की वैल्यू क्या होती है बेटा? ई नॉट अपॉन एक्सएल होती है कि नहीं होती, बोलो? यस सर। तो अगर एक्सएल बढ़ेगा आर्यन, तो आई नॉट घटेगा कि नहीं घटेगा? यस सर। ठीक है ना। और कैपेसिटेंस जो होता है वो डीसी को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा, डीसी को जाने नहीं देता, क्योंकि कैपेसिटर किसके जैसे बिहेव करता है? एज एन ओपन सर्किट। क्लियर है? यस सर। चलो, ये हो गया आपका पूरा, ठीक है। अब है अगला एलसीआर सर्किट। तीनों सर्किट हम कंबाइन करेंगे और हम पढ़ेंगे कि एलसीआर सर्किट का रिस्पॉन्स कैसा होता है, ठीक है। तो इसको मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, इसको मैं कल कराऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सर्किट है और इतना आपका पढ़ के आना बहुत ज़रूरी है आजकल के लिए। मगर अब एक चीज़ याद रखिए बच्चों, इसको करने के पहले, इस क्लास को छोड़ने के पहले एक चीज़ याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण वो चीज़ है। वो क्या बात है? देखिए, आज जो हमने रिस्पॉन्स पढ़े एसी के, जो आज हमने रिस्पॉन्स पढ़े एसी रिस्पॉन्स क्या क्या थे? तो पहला हमने पढ़ा बेटा प्योर रजिस्टिव। तो प्योर रजिस्टिव में आपने देखा कि जिस धुन पे डांस कर रही थी करंट, उसी धुन पे डांस करेगी वोल्टेज। जिस धुन पे वोल्टेज डांस कर रहा था उसी धुन पे करंट डांस कर रही थी। तो जैसा वोल्टेज डांस दिखा रहा था वैसे ही करंट डांस दिखाएगी, मतलब दोनों सेम फेज में होंगे। पहला चीज, सेम फेज। तो दोनों की इक्वेशन क्या है? ई का इक्वेशन क्या पढ़ा हम लोगों ने? ई नॉट साइन ओमेगा टी। और फिर आई का इक्वेशन क्या आया? आई नॉट साइन ओमेगा टी, बस यही आया था, ठीक है ना। ये आए थे दोनों के इक्वेशन, आई नॉट है, सॉरी, ये आई नॉट है। तो पहला अपन ने देखा था क्या? एसी में रेजिस्टेंस का रिस्पांस। दूसरा देखा हम लोगों ने इंडक्टर। तो इंडक्टर में आपको याद है कि वोल्टेज भागता है आगे, वी एल गया आगे और करंट गई पाई बाई टू पीछे। करंट गई पीछे। तो हमने क्या पढ़ा इक्वेशन? ई का इक्वेशन पढ़ा हमने ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट क्या पढ़ी? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी क्या? माइनस पाई बाई टू, क्योंकि करंट पीछे थी। बोलो यस और नो। यस सर। लास्ट में हमने क्या पढ़ा? कैपेसिटर। लास्ट में हमने देखा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में जो वोल्टेज लगाया था वो था ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे जो करंट आई थी वो आगे थी पाई बाई टू रेडियन। याद कीजिए, करंट गई यहाँ पे आगे और वोल्टेज था यहाँ पे पीछे, और करंट पाई बाई टू क्या थी? आगे थी। तो क्या इक्वेशन बन गया? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है ना। और आई नॉट क्या था? आई नॉट था ई नॉट अपॉन एक्स सी, और ई नॉट और एक्स सी की वैल्यू क्या थी? 1/ωc, 1/ωc। याद रखिएगा, एक्स सी मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दिस इज इक्वल टू 1/ωc।
ओमेगा सी, और पिछले केस में आई नॉट क्या था, आई नॉट जो था वो था ई नॉट अपॉन एक्स एल, और ई नॉट अपॉन एक्स एल की वैल्यू ये साइन वाइन चलता रहेगा है ना, और ई नॉट अपॉन एक्स एल, ई नॉट एक्स एल की वैल्यू क्या है ओमेगा एल। तो ये मैंने समराइज करा दिया दोबारा, बोलो क्लियर है सब कुछ कि नहीं है। एक्सेल हाँ भाई आर्यन, यस सर क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर सर। चलो ठीक है, तो बेटा ये जो है इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक ना। तीन सर्किट हैं, तीन सर्किट हैं, इसको जितना मैंने कराया है अभी इसको आप लोग प्लीज़ अच्छे से करिएगा। और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले आर्यन जो तुमने छोड़ रखा अभी वो तीन चार क्वेश्चन वो कर लो कंप्लीट पहले, अभी कोई क्लास से जाएगा नहीं क्योंकि क्लास आज लंबी है 10 बजे तक है, तो क्लास अभी लीव नहीं करेगा कोई।